अबला पावर कहाँ से शुरू होला तो पावर पावर ये खत्म होला तो जुड़ही के पड़ी तो या जुड़ही के पड़ी अरे तो इतना साल पहले इतना साल बाद देख हम फूल के ना बोलिया इंसान के इशारा काफी होता है। ये मैं बोलने जाऊंगा कि तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ और ये दुनिया को भी पता है कि आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल तो जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, जाने दीजिए। पैसे हाथ रखे हैं, मैं उनके पैर पे ऐसे टेक दिया हूँ। अब बताओ ये क्या कहने बनाओ तेरे। ऐसे लड़के हैं जो बिना स्वार्थ के जान से ज्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू भाई, आप सभी को थैंक यू दिल से। ठीक है, और बहुत ही तरह से पोस्ट आया, बहुत ही मेरे पास मैसेज आया कि भैया सबको आप प्यार देते हैं, सबको सम्मानित करते हैं। हम लोग को कभी भैया हर लोग को सम्मानित करते हैं, हर लोग से प्यार करते हैं, चाहे अपना हो या विरोधी हो, सबसे भैया प्यार करते हैं। तो आप लोग आज मैं शायद पहली बार आपको कौन जिसे आमने सामने मिल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि वैसे लड़के जो आज तक पवन जी के से मिले नहीं, वो लड़के जी जान से इंस्टा पे फेसबुक पे जो भी सोशल मीडिया है उस पर आप लोग मतलब दिन रात अपना लगे रहते हैं पवन जी के लिए। थैंक यू आप लोगों दिल से पवन जी। मैं एक लाइन और बोलूंगा, जैसे आपने बोला कि मेरे भाई सब जो है निस्वार्थ हमसे जुड़े हुए हैं, एक बात जरूर हम बोलेंगे कि अपना काम और अपने परिवार को दुखी करके आप लोग अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे परिवार में किसी भी सदस्य को, चाहे बड़ा भाई हो, चाचा हो, चाची हो, माता हो, पिता हो, उनको कष्ट हो कि बेटा मेरा क्या करना है। ठीक है, मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, तो आज हमको ये यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ बैठने का बोलने का मौका मिल रहा है। मैं यही चाहूंगा हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे समाज के जितने बच्चे हैं, भाई हैं, जो हमको चाहते हैं, जो हमको नहीं भी चाहते हैं, उन लोगों से भी मेरा विनती है कि सबसे पहले आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचें कि आपसे और हमसे हमारे माता पिता को खुशी मिले, हमारे माँ बाप को सुख मिले। ठीक है, इसके बाद हमसे प्यार करिए। अपने घर का कभी काम कोई नुकसान करके नहीं कि आप माता पिता का नहीं सुन रहे हैं, खाली पवन सिंह का न्यूज बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, भैया के लिए जान दे देंगे, प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा मेरे भाई, बट पहले आप अपने आप को वैसा बनाइए कि हमको और हमारे माता पिता को दो रोटी खाने खिलाने में कष्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद हमको प्यार दे। थैंक यू सो मच बेटा। आप लोग अगर अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। हाँ बिल्कुल बोलिए। बोलो संदीप, बोलो संदीप भैया, हम लोग चाहते हैं कि आप इसी तरह ग्रस्त रहे, आप बैक टू बैक काम करते रहे भैया। जी हाँ, एक रिक्वेस्ट भैया, एक मूवी शूट कीजिए, मगर मूवी ऐसा होना चाहिए जो हॉरर गाने से ऊपर का हो, ताकि पैन इंडिया रिलीज हो और भी ब्लॉकबस्टर हो। क्या बात है, सभी फैंस का डिमांड है कि साल में एक मूवी भैया हाई कैसा मूवी पैन इंडिया रिलीज। आपने मेरे दिल, आपने मेरे दिल की बात बोली बेटा। देखिए क्या है, मेरे लिए इस जीवन में भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज इस लेवल पे आप लोग अपने भाई को बैठाए हैं, किसके दम पे, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ है। आज किसी भी लैंग्वेज में किसी भी आदमी के साथ बैठता हूँ तो किस दम पे, अपने भोजपुरी के दम पे। जहां तक आपने मेरे से बोला कि भैया आप वैसा काम करिए, आप सभी को बता दूं कि मैं 20 से 22 फिल्मों का साइनिंग वापस लौटा दिया, मुझे गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करनी है, मैं 150 फिल्म कर चुका। ठीक ना, तो मेरा भी यही दिली इच्छा है कि काम वो हो जिसकी चर्चा बने, जैसे हमारी हर हर गंग फिल्म है, जियो मेरी जान आने वाली है, और भी हम कुछ लगे हैं कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करूं जिससे हमारे पूरे समाज को, हम भाई सब तो है ही है, बट ऐसा काम हो जिससे हमारे हमारे माता पिता को भी खुशी मिले कि मेरा बेटा ये फिल्म बनाया। माँ बाप मतलब समझ रहे हैं ना, खाली हमारे माई बाप ना, तोहरों माई बाप हमारे माई बाप हमें, हमारे माई बाप तुम्हारे माई बाप हमें, तो यहाँ माता पिता बटे हुए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वही काम होगा। भैया हमारा एक बात है, जो भी विरोधी है जो बोलते हैं यूट्यूब पे आके आपको आपके बारे में उल्टा सीधा, तो उनके आप छोड़िए मत, उन पे आप कार्रवाई करिए, क्योंकि बहुत है भैया। बेटा सुनिए ना, बाबू ये आपका प्यार बोल रहा है,
ये जो बड़बड़ 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 ऐसा नहीं है कि बड़बड़ सबको नहीं आता है, सबको आता है, लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे इंसान हैं जिसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं बट वो जवाब नहीं देता है। कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं भी बोल दिया हूं, ऐसा नहीं है, उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी चाहता नहीं, डरे ना माफी चाहता नहीं, ये नहीं मैं माफी मांग रहा हूं तो मैं डर गया। मैं सम्मान करता हूं सबका, जो मेरे से बड़ा है उनका भी और जो मेरे से छोटे हैं उनका भी और जो मेरे बराबरी के हैं उनका भी। बट जे बोला था जे ऐठन में बात और जो मेरे मुंह से ये संस्कार वाला भाषा निकल रहा है कि मैं माफी चाहता हूं, माफी मैं आप सभी से मांगता हूं। माफी ऐठन में जे बा से माफी ना मांगला, ये मत सोचना तुम लोग हम डर जाते हैं, डर से बोलते हैं ऐसा, वो मेरा संस्कार है, वो मेरा खून है, ठीक ना। तो जवाब दे के क्या फायदा, कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं। उनके लगा था कि हाँ हम हमारे हैजा से टकरबा होजा से टकरबा, बोलने के पहले थोड़ा सोच भी लिया करो कि क्या बोल रहे हो, किससे टक्कर है, हैं उतने बोला जितना एडजस्ट हो पाए। कैसे भी विवाद करके अपना नाम बनाना है ताकि भगवान सर्च लिस्ट में रहे, बस भगवान करे, भगवान सबको आशीर्वाद दे, सबको आगे बढ़ना है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ठीक ना। लेकिन अब बेमतलब के हई उंगली तो हई तो इतना साल पहले इतना साल बाद देख हम खुल के ना बोलिए, इंसान के इशारा काफी होता है, ठीक ना। लेकिन तो इतना साल सुन पहले इतना साल पहले इतना साल बाद आज वो कहाँ हम कहाँ, तो दुनिया के नहीं पता कि वो कहाँ हम कहाँ। ये मैं बोलने जाऊंगा कि तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ, और ये दुनिया को भी पता है कि आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ, बिल्कुल। तो जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, जाने दीजिए। एक क्वेश्चन है आपसे, बोलिए। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपके पास आते हैं तो आपके बारे में बुराई करते हैं और आपके विरोधियों के बारे में मतलब कि गलत सलत आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, और वो जाते हैं आपके विरोधी के पास तो उनसे आपके बारे में गलत सलत क्वेश्चन पूछते हैं, उन लोगों का सम्मानित मत कीजिए। बाबू हमार मैंने क्या बोला, नहीं भैया पगला, ये मेरा मैंने बोला ना मेरा सौभाग्य है। लेकिन मान लीजिए जो जो YouTube चैनल चला रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत न्यूज से संबंध में अपना काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक आदमी के बारे में प्रशंसा ही करेगा बेटा। सुन पहले बतिया सुन, वो मान लीजिए मैं पवन सिंह हूं या कोई भी कलाकार है, किसी एक ही प्रोडक्शन में काम करने से काम नहीं चलेगा ना, किसी एक ही चैनल पे गाना गाने से घर नहीं चलेगा ना, तो हमको तो हर जगह काम करना है। 10 जगह में फिल्म कर रहा हूं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि 10 जगह में मेरे भाई है, कोई प्रोफेशनल है, किसी से मन से रिश्ता सही नहीं है, हाँ चलिए ठीक है आप अपना काम करिए मैं अपना काम करता हूं। तो बेटा इसको माइंड में आप लोग एकदम हटा दीजिए कि जे हमारे खिलाफ बोला था, नहीं जे खिलाफ बोला तो वो हमारे भाई हो, ठीक है, ये सब पे कभी लड़ाई मत करिए आप लोग। भैया हम कुछ बोलना चाहते हैं, एक सवाल रहेगा भैया, हम ये कहना चाहते हैं भैया मेरा मदर टंग लैंग्वेज भैया मगही है, लेकिन बचपन से हम आपको सुनते आ रहे हैं, बचपन से भैया फैन, और मेरा जब नींद खुलता था तो छोटी रे मोटी नीनिया गछिया गाना सुनते ही मेरा नींद खुलता था भैया, और आपको सुनते सुनते भोजपुरी सीखे, भोजपुरी का हर एक वर्ड, भोजपुरी क्या है सब चीज, और भैया आपको सुनते सुनते आज माँ सरस्वती के दिन से हम भी कुछ लिख रहे हैं भैया, मतलब हम भी कुछ मतलब भैया गाना वाना लिख रहे हैं, सीख रहे हैं भैया, सीखना तो सबको है बेटा। हाँ भैया तो हम चाह रहे भैया गाना लिखे ना। हाँ भैया कभी हमको मौका दीजिए भैया एक बार, हम बहुत ट्राई किए भैया आपके लिए बहुत सारा मैटर लिख कर रखे, ठीक बात। आर्यन का नंबर ले लिया, हाँ भैया ठीक है, दीपक जी का नंबर ले लिया, क्या है ना देखिए, हमने तो अपने प्रेम में बोल दिया कि भाई का ये नंबर है, और जिस भाई को अगर लगता है कि हाँ इस संबंध में अगर कुछ आप लोगों को करना है तो बिल्कुल हमारे भाई को फोन करिएगा, बिल्कुल। लेकिन अगला भी इंसान है ना, उसका भी परिवार है, उसके लिए बच्चे बहुत साल से मेहनत कर रहे थे आपके लिए, नहीं नहीं वो सुन लो पहले बात, उस आदमी का 24 घंटा फोन बंद नहीं होता है, घर 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 लाइव में भी आप बोले थे कि हाँ, तो मान ले बेमतलब केहू के फोन ना करेगी, चाहे काम होगे तो फोन करा, चाहे मैसेज कर दे भैया हमके हाई चाहिए, चाहे चीज की जरूरत पड़े,
ठीक ना, हमारे साथ आर्यन बड़े भाई बड़े हमारे विक्की जी हैं, ये सत्यम है, सत्या है, शुभम है, और हम सब हमारे भाई हैं। भैया आप तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब से दीपक भैया का मैनेजमेंट आया है तब से जो आपके फैंस को या फिर आपके फैन पेज चलाने वाले या फिर यूट्यूबर्स को इतना सम्मान मिलने लगा है, दिल गदगद हो जाता है। कहीं भी यूट्यूबर जाता है ना तो हर हमेशा तारीफ करता है, जो उनके इवेंट में मिल जाता है ना वो इज्जत, वो पूरा भोजपुरी में कहीं। अब बताओ, चलो ये तो सौभाग्य है, ये सौभाग्य है बेटा, और हमको आप लोगों ने इस लायक बनाया कि हम आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं। पगला आप, नहीं तो हमारे जिसमें कितना लोग घूमा था, क्यों क्यों तो पूछे वाला नहीं थी। ठीक है, जो लड़का 10 दिन लगातार स्कूल ना गया हो, किसी भी क्लास का परीक्षा ना दिया हो, उस लड़के को आप लोग यहाँ बैठाए हैं जो आप लोगों से ऐसे बात कर पा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है जो आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरे से। अच्छा ये बताइए, जहाँ तक आप लोगों ने बोला कि भैया आप विरोधियों के बारे में, तो हम तो एक मंच पे हम खड़ा होते हैं, तो मान लीजिए 1 लाख की भीड़ है तो हमें हमारे 10,000 विरोधी आउट हुए, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो प्रणाम सबको करेंगे भैया, हमको आशीर्वाद सबका चाहिए, वो चाहे हमारे प्रेमी हो चाहे हमारे विरोधी। ठीक है, अब बताओ वो फोटो वायरल भइल बा, मान लीजिए हम किस पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आप लोग हमारे परिवार हैं, हम किस पार्टी से जुड़े हैं। मान लो अगर एयरपोर्ट पे हम उतरे, चाहे हम कहीं फ्लाइट से जा रहे हैं, और दूसरे पार्टी से ये हमारे दीपक जी मिल गए, तो क्या मतलब इनसे हम हाथ नहीं मिलाएंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, नहीं लगेंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, इनसे हम गाली देके बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मित्रता भी तो चीज होती है। अब बताओ हम जमीन पर बैठल बानी, वो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पीठ पे ऐसे हाथ रखे हैं, मैं उनके पैर पे ऐसे टेक दिया हूँ, अब बताओ ये का न्यूज बना होता है। दुनिया फैन है भैया का, दुनिया फैन है, तेज प्रताप जी हमारे भाई हैं, बड़े भैया हैं, वो खुद एक कलाकार है, वे कलाकार का सम्मान करते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है ना भाई। अबला पावर कहाँ से शुरू होला, तो पावर पावर ये खत्म होला, हमारी पार्टी क्या है, आपकी पार्टी क्या है, बट एक मित्रता भी तो होती है, तो क्या हम हाथ नहीं मिला सकते हैं, क्यों नहीं, एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, एक ही परिवार में कोई किस पार्टी से चुनाव लड़ता है, जीत भी गया, कोई किस पार्टी से चुनाव लड़ता है, कोई किस पार्टी के बारे में बोलता है, तो क्या वो दोनों भाई एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। अगर आपसे प्यार है तब ना, वो आप यहाँ रुके हुए होटल में सेंट्रम में वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में उनको लगा कि मेरा भाई, वो वृंदावन जा रहे हैं, जा रहे हैं, वो इतना मानते हैं मुझे, हम लोग तो अभी हाल ही फिलहाल तो हम लोग फंक्शन में एक दूसरे से मिले, हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी, इतना अच्छा लगा भैया से मिलके, तो क्या हम मित्रता नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मिल लिया, तो ये कौन सा मतलब अपराध हो गया है? अब हाउ बोला था कि झुक गई है, गिर गई है, अब जहां वो भी फोटो फोन में ही था, हम लोग उनको दिए।